बहुत सारे वीडियोज में नाइटफॉल या स्वप्नदोष के बारे में बताया, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, समझ ही नहीं पा रहे कि बीमारी है या वहम है। बता दूं, देखो कोई भी कुंवारा लड़का है, उसकी उम्र 13 साल से लगा के चाहे 40 साल के बीच में हो, ठीक है, अगर उसको महीने में 3 से 4 बार नाइटफॉल होता है, कोई गंदा सपना आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये नॉर्मल है, कुंवारे बंदों को ऐसा ज्यादातर होता है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज हफ्ते में 3 से 4 बार के ऊपर नाइटफॉल होने लगे तो आपको प्रॉब्लम है, तो आपको इलाज की जरूरत है, तब डॉक्टर की जरूरत है, ठीक है। तो ये वह मत निकाल दो, क्योंकि ऐसे आप सेक्स तो नहीं कर रहे, मास्टरबेट तो नहीं कर रहे, तो महीने में 1-2 बार तो निकल जाता है कुछ भी गंदा ख्याल आने पे, कोई बीमारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा मत सोचा करो। जब हफ्ते में 3-4 बार से ज्यादा निकले तब सोचो, ठीक है। और जहां तक हो तो 20-22 साल की उम्र में शादी ही कर लो, तो सारे गंदे काम ही छूट जाए, ये मुठबाजी सब छूट जाएगी, शादी कर लो यार, सब खत्म, नाइटफॉल होगा ही नहीं। शादी से बड़ा कोई इलाज ही नहीं नाइटफॉल के लिए, जिसकी शादी होगी उसको नाइटफॉल खत्म, ओके।